हैदराबाद सिटी में एक चीज रह गई थी हमारी, वो था चाओ मोल्ला पैलेस। तो फाइनली आ गए हम यहाँ पे, लेकिन बहुत लेट आए हैं। अभी बज रहे हैं 4 और हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा है। एक घंटे में हमें देखना है ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, और ये मेन गेट है। ये देख लो, ये टिकट काउंटर है। 2 टिकट 120। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हर जगह आपको कैमरा अगर यूज़ करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, एंट्री के अलग कैमरे के अलग। ये नक तो आ गई। ये देखो ये दरवाजे, एंट्री है। हम पे फोटो से निकाल सकते हैं ऐसे, फोटोज निकाल सकते हैं सब जी। अच्छा, फोटो स्टूडियो है, सेल्फोन अलाउ नहीं है। ये देखो कितने दरवाजे हैं, जहाँ नजर के वहां तक डोर्स हैं आगे तक। ये पूरे दरवाजे बंद करके रखे हैं। ये यहाँ की शॉप है। ये देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 महल हैं। ये पहला महल है, इसकी एंट्री वहां से है, और ऐसे 4 हैं। तो हर एक महल के अंदर जो है ना अलग अलग चीज़ें रखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे इसमें किस महल के अंदर कॉइन्स वगैरह हैं, कपड़े हैं, किसी महल के अंदर कार्स रखे हुए हैं, तो हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही महल ऐसे हैं जो अभी ओपन है और जहाँ पे आप जा सकते हैं, बाकी 2 महल बंद करके रखे हुए। और ये जो मेरे पीछे ये जो देख रहे हो ना, ये सब गेस्ट रूम्स हैं, ये गेस्ट के लिए रुकने के लिए जगह थी ये पूरी। तो अभी फ़िलहाल वर्कर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसको। अभी मैं अंदर जाता हूँ महल के और आपको दिखाता हूँ। ये एंट्री सी, वाओ, ये महल है। मूवीज़ में पिक्चरों में कैसे देखते हैं हम। देखो सामने गद्दी रखी हुई है, वहाँ पे राजा बैठते थे। तो इसको बाहर से ब्लाइंड करके रखा है सी। ये ऊपर की डिज़ाइन देख लो आप, ये डिज़ाइन देख लो। ये सबसे फर्स्ट निज़ाम है, 1869 से 1911 तक। ये मस्जिद है, ये देखो निज़ाम के कॉइन्स, सिक्के, गुरु के टाइम के नोट, बेस्ट चीज। ये हाथी के दांत का है ना, कीबोर्ड का लिखा नहीं है। ये सेकंड निज़ाम, मीर उस्मान खान, 1911 से 1967। क्या पता, यहाँ से बाहर निकलने के बाद उधर एक रूम है। वाह, सीरीज मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अमेजिंग ना, ये कमरा है, हेरिटेज अवार्ड है। अब यहाँ से स्टेज आते हैं ऊपर, ये एक जगह है, यहाँ पे पूरे फोटोग्राफ्स लगे हैं, पेंटिंग्स। ये विंडो है बाहर के, पीछे गार्डन। अब यहाँ से ये अंदर है, ये हॉल ऑफ क्रॉकरीज। ये देखो क्रॉकरीज, उस टाइम की क्रॉकरीज है सब। कितना प्यारा लग रहा है येलो कलर। ये देखो सिल्वर कटलरी की पूरी सूटकेस है, पूरे सिल्वर है। यहाँ से भी व्यू दिखाता हूँ मैं। फिर से यहाँ से नीचे आते हैं और फिर इधर साइड में सब जंग की चीज़ें रखी हुई है, वॉर आर्म्स। ये देखिए
ये पूरा कमरा आम से बना है। हाँ ये देखो मिनी तोप तो। ये देखो रिवॉल्वर कटा ये पीट खुजाने का आजकल कैसा आता है मिनी सो में प्लास्टिक वाला सेम वैसे प्लास्टिक वाला आता है। ये देखो उन टाइम की अलमारी ये लोहा भी नहीं पता क्या है ये अगर मैं इसको मार रहा हूँ ना ये देखो पत्थर के जैसा लग रहा है ये अलमारी। देखो यहाँ पर भी वॉर की चीजें रखी है ये और पूरी आर्मरी से इनकी ये देखो मुझे इसमें से है ना सिर्फ ये दो ही पता है तीन पता है एक खंजर एक तलवार और तीसरी जुल्फिकार। ये देख लो तलवार कैसी है सांप के जैसी डॉक्टर ये डंडा देख लो ओहो फिर से हेरा फेरी वाले गन्स आ गए हम बाहर ये देख लो यहाँ से एक बार वाओ ये गार्डन है ये पैलेस है पैलेस के वहाँ से जो है ना एक रोड जाता है इधर साइड में यहाँ पे अंदर कार्स वगैरह रखे हुए ये देख लो ये सेक्शन में भी ना पूरा गार्डन वगैरह बना हुआ है पैसे ले रहे बस मेंटेनेंस कुछ नहीं है। तो ये है टोटल चार महल ये पहला है वो दूसरा है वो तीसरा है और ये चौथा है जहाँ हम जा रहे हैं और ये पहले महल का नाम है आफ्ताब महल। चलो अंदर चलते देखते वो हम जहाँ पे जाके वो म्यूजियम था दिस इज फर्स्ट महल ओहो यहाँ देखो पुरानी चीज़ें रखी हुई है इनकी ये देखो साड़ियाँ देख लो उस टाइम की साड़ियाँ ये देखो साड़ियाँ यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं वो दूसरा महल है पहले वहाँ जाना है वहाँ पे भी है विंटेज कार्स वो लोकेशन में सबसे पहले वही देखना है। ये देखो 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 पुराने बग्गीज ये पेड़ देख लो इसकी जड़े देख लो पेड़ की नसों के जैसे दिख रहे ये देखो ये विंटेज कार्स बग्गी खाना विंटेज खाना दिख गए भाई देख लो ये कार डॉक्टर रोल्स रॉयस 1912 के रोल्स रॉयस ये है सेकंड नाइपर टाइप ओहो हो पीछे पूरी बग्गी आ रही है तो मैंने इंग्लिश पिक्चरों में देखा हुआ ना गियर्स ले देखो उसके गियर्स ये भी नीपर टाइप ही है पीछे से देखो पूरी बड़ी ओपन है बैठ सकते हो ये है फोर्ड ये है फियाट की कार ओह विंटेज फियाट विंटेज ये है टूरिंग सिडान डिलक्स टूरिंग सिडान डिलक्स ओ बाप रे ये है वॉल्सेली अच्छा हाँ ये इनकी कार है जिन्होंने फलकनुमा पैलेस बनाया है ना उनकी कार है ये वॉल्सेली अमेजिंग कार यार ये तो ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे सच में ये देख लो कैप्टन अमेरिका एंट्री होती है ना कैप्टन अमेरिका की तब यही कार बाइक से आता हो
देखो साइकिल रिक्शा पुरानी। यहाँ पे थे विंटेज कार्स और यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखो यहाँ पे पुराने और कुछ बग्गी रखे हुए, वो पता नहीं कौन सी जीप है, कितनी पुरानी विलीज वाली, पुरानी पिक्चरों में आती थी ना जीप, ये वाली जीप है वो शम्मी कपूर के पिक्चर आते थे ना, लड़की को लेके जाता घूमने के लिए कश्मीर, ये जीप से, ये बग्गी है उस टाइम के पूरे, अरे पूरा गार्डन है। तो आपने देख लियो कि विंटेज कार्स, मेरे लुक पे मत जाना, बहुत फिटिंग हुआ है मुझे। ये है दूसरा पैलेस, इसको बोलते हैं अफजल पैलेस। चलो इसकी बनावट तो देख लो, अमेजिंग। कुश्ती चल रही, कुश्ती। ये महल को लॉक रखा है क्या इन्होंने? सब यही है अंदर से। अच्छा, इस महल को लॉक रखे, इसको अंदर जाने नहीं दे रहे। यहाँ पे पुरानी चीजें रखी हुई है। इससे ज्यादा थकी हुई लड़की आपने नहीं देखा होगा आज तक, इससे ज्यादा गंदी और काली तो कभी नहीं देखा होगा। देखो ये देख लो, कितने मस्त तरीके से छाटा है इसको पूरा पेड़ को, आइसक्रीम के कोन के जैसा दिख रहा। मैंने नकटू को अगर मस्ती करेगी ना तो उसको भी ऐसे ही छाट दूंगा मैं। देखो बर्ड, नकटू दिखा रही है छोटी वाली बर्ड, वो भी दिखा रही है, यहाँ पे भी भाग रहे बर्ड। हाँ वही दिखाया मैंने पहले से, ये बंद है, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का है। नकटू देखो कितना सही लग रहा पेड़। देखो ये एक महल है, तहनियत महल, लेकिन ये बंद रखा है इन्होंने। अब चौथा महल कहाँ गया दिवसों में भी? हाँ वो है चौथा महल, वो है मेहताब महल, ये भी बंद है। तो दो महल बंद रखे हैं और वह जो मैंने पहले दिखा है वो दो महल ओपन है। ये एंट्रेंस है मेन, इससे बाहर जा रहे हैं हम। अगर आप देखोगे ना इसको राउंड बनाया है पूरा, ये देख लो, ये है फेमस खिलावत क्लॉक टावर। सालों से ये टाइमिंग ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे इसकी इन्फो देख लो कि लोग इसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग सेट करते हैं। सालों से ये क्लॉक चल रहा है, अभी इसका थोड़ा रेनोवेशन चालू है इमारत का, लेकिन क्लॉक अभी भी टिकी है।